हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट अपडेट थी, मैंने सोचा आप लोगों को दे दें चलते चलते रास्ते में। और रास्ता कहीं का नहीं है, थोड़ा सा लोकल का है। रूम पे जा रहा था अभी अपनी ड्यूटी फिनिश करने के बाद। तो अगर हम अपडेट्स की बात करें तो अपडेट्स वो ये है कि विजिट वीज़ा, जैसे कि आप सभी को पता है कि बुधवार को पाकिस्तान सहित 11 मुल्क ऐसे थे जिनको उन्होंने विज़िट वीज़ा टेम्परेरी बैन कर दिया है। तो अब टेम्परेरी बैन करने के बाद अब लोगों के कुछ ऐसे सवाल हैं कि सर, क्या टेम्परेरी बैन करने के बाद जिनका वीज़ा पहले से निकल चुका है क्या वो भी नहीं आ सकते? तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर कर दें कि वीज़ा जिनका पहले से निकल चुका है, प्रोसेस हो चुका है, वो लोग ईज़िली आ सकते हैं जैसे आ रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं। अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि कोई जो कोरोना है इसकी वजह से थोड़ा सा अभी निलंबित कर दिया गया है और बाद में चालू होगा नहीं होगा इसकी भी कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। कब तक होता है कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि बता दें कि ये जो इससे पहले अगर आप ट्रेवल कर रहे हों, ठीक है, पुराने मान लीजिए आपका वीज़ा है पहले का निकला हुआ है और अभी आप ट्रेवल, धूप थोड़ा ज़्यादा है इससे थोड़ा आँखें बराबर नहीं खुल रही हैं, अगर आप ट्रेवल कर रहे हों, ठीक है, ट्रेवल कर रहे हों तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। हाँ अभी सही है, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने थे, ठीक है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको फॉलो करना होगा। कि आपको पहले से पता है कि तकरीबन समथिंग 500 लोग ऐसे पाकिस्तानी और इंडियंस थे जिनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया गया था, ठीक है, वहीं पर रोक दिया गया था क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो होने चाहिए थे उन लोगों के पास, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं कंफर्म है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताता चलें, ठीक है। और बताने के बाद सोच रहे थे कि थोड़ा बहुत अपना दुबई भी दिखा दें, क्योंकि हमने पहले तो हल्के से ब्लॉग के वीडियो डाले थे, लेकिन अभी जो है नहीं, ये जो मैं ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लोकल एरिया, यहाँ पर सारी कार्स खड़ी हैं पीछे, ठीक है। जो लोग आए हुए हैं उनको तो पता है कैसा है, जो लोग नहीं आए हैं, जो आने के फर्स्ट टाइम सोच रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा कंट्री है, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी इंडिपेंडेंस है और आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से। बस आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, आप कैसे यहाँ पर आके क्या करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमाने वाले लोग यहाँ पर मिलियनों में कमा रहे हैं, ठीक है, और ना कमाने वाले लोग नहीं कमा रहे हैं, तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। और ये लोकल भी है, मैं आपको ज़ीरो पे दिखा रहा हूँ क्या है यहाँ का, कैसा है यहाँ का सीन, ठीक है। तो हमारा बस यही आप लोगों से कहना था कि आप लोग अगर आ रहे हैं विज़िट पे तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आइए, ठीक है जी। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका कंफर्म नहीं पाया गया तो हो सकता है कि आपको जो है यहाँ से वापस जाना पड़े, ठीक है जी। तो हमारा बताने का मकसद बस यही था। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कन्फर्म करना है, ठीक है।